हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेली प्रेस टेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो बेली प्रेस टेस्ट होता है, इसको हम एब्डोमिनल कंप्रेशन टेस्ट या फिर नेपोलियन टेस्ट भी कहते हैं। और ये टेस्ट क्या चीज देखने के लिए चेक किया जाता है? आपकी जो शोल्डर में सब स्कैपुलरिस मसल होती है, उसको चेक करने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए हम बेली प्रेस टेस्ट यूज करते हैं। तो आपको ना एग्जाम में वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको वो सीधा नाम ही दे देगा कि बेली प्रेस या एब्डोमिनल या नेपोलियन टेस्ट क्या होता है, या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि शोल्डर में जो सबस्कैपुलारिस मसल होती है, उसकी टेस्टिंग के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। तो उसमें भी वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपसे इसी टेस्ट के लिए, तो वहां पे ना कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे भी हमें बेली प्रेस टेस्ट के बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। तो बच्चों, जो बेली प्रेस टेस्ट होता है, ये शोल्डर की पैथोलॉजी को जांच करने के लिए ही होता है। शोल्डर में भी स्पेसिफिकली किसके लिए? सबस्कैपुलारिस मसल के लिए, ठीक है? क्योंकि शोल्डर जॉइंट में बच्चों और भी बहुत सारी चीजें होती है, लिगामेंट होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है, नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं। तो ये टेस्ट किसको टारगेट करता है? मसल्स, मसल को। और मसल में भी किस स्पेसिफिक मसल को? सबस्कैपुलारिस मसल को। अब अगर हम इस मसल की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो एक बार हम इसकी एनाटॉमी भी देख लेते हैं। तो ये जो सबस्कैपुलारिस मसल है बच्चों, ये अराइज कहाँ से होती है, ओरिजिन कहाँ से है इसका? इट अराइजेस फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फॉसा ऑफ द स्कैपुला। और ये इंसर्ट कहाँ होती है? जाके ओवर द LT, लेसर ट्यूबर्कल ऑफ द ह्यूमरस। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C5 एंड C6। ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूं, तो सबस्कैपुलर आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई देती है। अब इसका काम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, तो इसका काम होता है ह्यूमरस का इंटरनल रोटेशन, यानी कि मीडियल रोटेशन कराना, और ये एडक्शन में भी हेल्प करती है मसल, ठीक है? तो यहाँ से आपको ब्रीफ हो गया होगा अबाउट द सबस्कैपुलारिस मसल, ठीक है? यहाँ पे ये इसके मैंने इमेजेस डाल दिए हैं ताकि आप विजुअली भी अच्छे से याद कर पाओ, और इमेज देख के आपको याद हो जाए कि ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है। क्योंकि अगर आपको ओरिजिन इंसर्शन एक बार को बच्चों अगर एक बार आपको भूल भी जाओगे ना, पर आपको इमेज याद है, आपको डायग्राम याद है, तो आप आसानी से ना लिखाओगे, मतलब बिल्कुल अप्रोक्स। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि मीडियल 2/3 ऑफ द फॉसा से वो अराइज हो रही है, तो अगर आपको मीडियल 2/3 नहीं याद है, बट फिर भी आप इमेज देख के फिर भी अंदाजा लगा लोगे कि बोन का कौन सा पार्ट है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप एग्जाम में या एग्जामिनर के आगे एटलीस्ट आपके पास कुछ बोलने के लिए होगा, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहोगे। तो एनाटॉमी पढ़ने का बच्चों सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ना इमेजेस से पढ़ो, ठीक है? अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब है टेस्टिंग प्रोटोकॉल। तो बच्चों, टेस्टिंग प्रोटोकॉल में क्या होगा? जो पेशेंट है हमारा, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है? अब क्या करना है, जो एग्जामिनर है, यानी कि आप, क्योंकि आप पेशेंट को एग्जामिन करोगे ना, तो आप क्या करोगे, पेशेंट के एब्डोमिन पे जो ज़िफोइड प्रोसेस होता है ना स्टर्नम बोन का, उसके नीचे आपको पेशेंट के एब्डोमिन पे, यानी कि पेट के ऊपर हाथ रखना है, ठीक है? अब आपको हाथ क्यों रखना है वो अभी मैं आगे बताऊंगी। देखो, अपने हाथ के ऊपर आपको क्या बोलना है पेशेंट को, कि आप अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखो। देखो, जैसे इस डायग्राम में पहले एग्जामिनर ने अपना हाथ रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? फिर पेशेंट ने अपना हाथ इस थेरेपिस्ट के हाथ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? फिर पेशेंट को क्या करना है, जो अपना हाथ है उसको अपने पेट की तरफ प्रेस करना है जितनी ताकत से वो प्रेस कर सकता है, ठीक है? सो वाइल पुशिंग द हैंड इन टू द एब्डोमिन, जब पेशेंट अपना हाथ अपने पेट पे दबा रहा होगा, यानी कि वो आपके हाथ के ऊपर अपना प्रेशर लगा रहा है, तो आपका हाथ रखने का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, कि आप वो प्रेशर देख पाओगे कि पेशेंट कितने प्रेशर से हाथ अपना एब्डोमिन में पुश कर रहा है, प्रेस कर रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, द पेशेंट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग द एल्बो फॉरवर्ड टू द स्कैपुलर प्लेन, कॉजिंग ग्रेटर मीडियल शोल्डर रोटेशन। तो इस पोजीशन में क्या होगा बच्चों, जब वो अपने पेट पे हाथ दबाएगा पेशेंट,
तो क्या होगा, शोल्डर पे इंटरनल रोटेशन होगा, और सबस्कैपुलरिस मसल क्या करवाती है, इंटरनल रोटेशन। तो हमने उस मसल को आइसोलेट कर लिया है, ठीक है, जिससे कि हम उसकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पेशेंट की पोजीशनिंग होगी और इस तरह से थेरेपिस्ट की पोजीशनिंग होगी यहाँ पे। अब पॉजिटिव रिजल्ट की बात करते हैं। अब रिजल्ट पॉजिटिव कब होगा, अगर पेशेंट जो है एग्जामिनर के हाथ के ऊपर प्रेशर नहीं मेंटेन कर पा रहा, कि वो कोशिश तो कर रहा है बट उससे प्रेशर लग नहीं रहा एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है, या फिर जो पेशेंट है वो रिस्ट को फ्लेक्स कर रहा है पोस्टीरियरली, या फिर वो शोल्डर को एक्सटेंड कर रहा है या एडक्ट कर रहा है। क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो पेशेंट है जब वो प्रेस करेगा अपने हाथ को पेट के ऊपर तो उसका जो हाथ है वो इंटरनल रोटेशन में जाएगा, बट अगर वहीं पे वो एक्सटेंशन या एडक्शन में जा रहा है मतलब कि द टेस्ट इज पॉजिटिव, राइट। अब ये जो पॉजिटिव टेस्ट आया है बच्चों, ये इंडिकेट क्या करता है, मतलब ठीक है पॉजिटिव आ गया, पेशेंट उतना प्रेशर नहीं लगा पा रहा, उसकी शोल्डर पे इंटरनल रोटेशन की बजाय एक्सटेंशन और एडक्शन वाली मूवमेंट हो रही है, बट उससे हमें पता क्या चल रहा है। तो हमें ये तो पता है कि ये वाला जो टेस्ट है हम सबस्कैपुलरिस मसल के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो जो सबस्कैपुलरिस मसल है हमारी उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक स्टडी की गई थी बार्थ एट अल ने 2006 में, तो उन्होंने बोला कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है ना तो यानी कि आपकी जो सबस्कैपुलरिस मसल है उसमें 50% से जो ज्यादा मसल के फाइबर्स हैं वो टूट चुके हैं, ठीक है। तो ये भी हम इस टेस्ट से इंडिकेट कर सकते हैं। बट अब हमने यही पर्टिकुलर पोजीशन क्यों यूज करी है कि पेशेंट पेट पे अपना हाथ लगा के प्रेशर करे डालेगा अपने पेट के ऊपर या प्रेस करेगा हाथ से पेट के ऊपर। मीडियल रोटेशन तो हम किसी और पोजीशन में भी लेके आ सकते हैं ना, हमें क्या ही जरूरत है इस तरीके से उसको इंटरनल रोटेशन कराने की शोल्डर पे। इसलिए जरूरत है बच्चों क्योंकि हमारे शोल्डर में ना काफी सारे इंटरनल रोटेटर्स होते हैं, बट यहाँ पे मुझे रोटेटर कफ की जो चार मसल्स होती हैं उनमें से मुझे जो सबस्कैपुलरिस मसल है उसके बारे में जांच करनी है, ठीक है। अब तो मुझे कुछ ऐसी पोजीशनिंग देनी पड़ेगी ना अपने पेशेंट को कि वो वाला जो मसल है उसका जो काम है वो अलग से निकल के आए, तभी तो मैं उसे टेस्ट कर पाऊंगी। जब आपका पेपर होता है तो आप सब बच्चों को एक साथ तो नहीं बुलाया जाता ना वाइवा के लिए, आप सबको अलग अलग बुलाया जाता है, हर एक से अलग अलग क्वेश्चंस किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही है, मैं मसल को बल्क में नहीं बुला रही, मैं मसल को एक एक करके टेस्ट कर रही हूँ। और सबस्कैपुलरिस का नंबर कब आता है, जब हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखो। और ये जो बेली प्रेस टेस्ट है बच्चों ये एक एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या नापता है, जो इंटरनल रोटेशन की स्ट्रेंथ है ये वो नापता है इन अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमल एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट है बच्चों सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अगर मैं इस टेस्ट की सेंसिटिविटी के बारे में बात करूं तो सबस्कैपुलरिस मसल का जो टीयर है उसके लिए इट इज 0.34 सेंसिटिव एंड स्पेसिफिसिटी इज 0.96। ये हमें कहां से मिला है डाटा, फ्रॉम अ स्टडी व्हिच वाज डन बाय जैन एट अल इन 2017। तो बच्चों ये जो मैंने नीचे डाल रखे हैं ऐसे रेड कलर में, ये होते हैं रेफरेंसेस, यानी कि कोई मुझसे पूछे कि ये इंफॉर्मेशन कितनी वैलिड है, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो मेरे पास ये है कि भाई मैंने इस आर्टिकल में से या इस पर्टिकुलर बुक में से ये चीज पढ़ी है और वो मुझे यूजफुल लगी, तो वो चीज मैंने यहाँ पे एड ऑन करी है। तो आपको भी इजी रहेगा कि हाँ जहां से मैम पढ़ा रही हैं वो कहाँ से पढ़ा रही हैं, आपको भी आइडिया रहेगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जब आप एग्जाम में लिखते हो अपना आंसर, तो आप वहां पे अगर इस तरीके से रेफरेंस डालोगे ना तो उसका बहुत अच्छा यू नो एग्जामिनर बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उनको लगता है कि आपने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके बारे में,
ठीक है, तो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है आपका। तो अगर आप एग्जाम में ये ऐसे लिख के आते हो तो इट इज वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चों रिलायबिलिटी। अब ये जो बेली प्रेस टेस्ट है, इसमें एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इंटर एग्जामिनर रिलायबिलिटी होती है। जो इसका कैप्पा कोएफिशिएंट होता है वो होता है 0.65 to 0.78, और जो परसेंटेज है इट इज 83 to 89%। ठीक है, यानी कि अच्छा अच्छी रिलायबिलिटी है इसकी, और इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिसफंक्शन इन द सबस्कैपुलरिस मसल। ये बात हमने कहाँ से ली है रेफरेंस? कॉटगन एट अल इन 2011। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द बेली प्रेस टेस्ट, जिसको हम एब्डोमिनल कंप्रेशन या फिर नेपोलियन टेस्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने का मन है तो ये रेफरेंसेस हैं, आप इन आर्टिकल्स को एज इट इज अगर आप गूगल की सर्च पर डालोगे तो पूरा आपको आर्टिकल ही खुल के दिख जाएगा। ठीक है, वहां से आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, बट जितना आपके लिए रेलेवेंट है उतनी इंफॉर्मेशन मैंने इस स्लाइड के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करी है। अगर आपको और फर्दर पढ़ने का मन है तो आप इन रेफरेंसेस से पढ़ सकते हैं जाके। ऑल्सो अगर कोई डाउट रह जाता है अभी भी, या फिर कोई और चीज पढ़ने का आपको अभी मन है, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके बाकी चीजों के बारे में भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।